दोस्तों आज हम जानेंगे राफेल लड़ाकू विमान के बारे में जो कुछ ही दिनों में भारत पहुंचने वाला है और इसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। भारत ने राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी जिसका नाम दसा एविएशन है को 2016 में 36 फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दे दिया था जो भारत में 2022 तक आने वाले थे, लेकिन भारत और चीन के बीच LAC पर बढ़ते तनाव को देखते हुए फ्रांस ने 6 राफेल जेट 27 जुलाई 2020 को भारत को देने का फैसला किया है। भारत के पायलट राफेल भारत लेकर पहुंचेंगे। भारत के इन पायलटों की ट्रेनिंग फ्रांस में हुई है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने न सिर्फ भारतीय वायुसेना के पायलट बल्कि इंजीनियर और टेक्नीशियन को भी ट्रेनिंग दी है। ये लोग भारत आकर दूसरे साथियों को ट्रेनिंग देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं राफेल जेट के बारे में। राफेल सबसे फुर्तीला विमान है जिससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल DH टू सीटर और राफेल EH सिंगल सीटर विमान है। दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टिल्ट कैपेबिलिटीज के साथ फोर्थ जनरेशन के विमान है। इस फाइटर जेट को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट है। इसके साथ ही एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। राफेल में एक एडवांस एवियोनिक्स सूट भी है। इसके अंदर AESA रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसके अलावा राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल में आधुनिक हथियार भी हैं, जैसे इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन है। ये एक बार में 9,500 किलो का सामान ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने के लिए मैजिक सेकेंड MBDA मिका IR या EM जैसे मिसाइल्स लगे हैं। ये मिसाइल्स हवा में 150 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकती हैं। इसमें हवा से जमीन में मार करने की ताकत भी है। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 560 किलोमीटर है। अगर दोस्तों हम राफेल जेट के इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल इराक अफगानिस्तान लीबिया सीरिया में पहले हो चुका है। राफेल के मुकाबले का चीन के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।